और आज मैं ड्राइव करके आ रही हूँ। लंबी दूरी पे हम लोग निकल चुके हैं। और हम लोग मंदिर से आए, फिर उसके बाद मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। क्योंकि अभी हम लोग कहीं निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। अभी हमारी सारी पैकिंग हो गई और खाना वाना हम लोग खाए, रात के लिए खाना बनाए, और यहाँ पे पतिदेव जी भी जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा क्या देखना है? ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं रास्ते में। तो कैसा फील हो रहा है आज लॉन्ग ड्राइव करके? प्यास लग गई ना एकदम। देखिए आज रामनवमी है तो कितना ज्यादा सन्नाटा है रोड पे। और आज मैं ड्राइव करके आ रही हूँ। आज बहुत ही लंबी दूरी पे हम लोग निकल चुके हैं, फर्स्ट टाइम इतनी लंबी दूरी के लिए। क्यों पति देखिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और जब रास्ते में ठंडी ठंडी हवा चलती है तो और भी अच्छा लगता है। अभी हम लोग रुके थे, थोड़ा सा बैग को ठीक करना था और थोड़ी सी प्यास लग चुकी थी, इसी वजह से रुके थे। तो चलिए अब चलते हैं, फिर से निकलते हैं। तो अभी पूरे 5 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं धर्मकांटा, और यहाँ पे हम लोग रुक चुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। रास्ते में दिखिए और काफ़ी देर हो चुकी थी निकले हुए, 1.5 घंटा, तो सोचिए चलो थोड़ा सा पी लिया जाए गन्ने का जूस। और अब शाम भी जो है वो थोड़ी थोड़ी ढल रही है, अभी धूप है। इधर तो बहुत है आपका, आप लोग अपना खेत नहीं लगाते हैं? खत्म हो गया ये वाला मीठा है ना? दोनों गिलास, एक एक गिलास दीजिएगा ना दोनों को। दो आदमी ना है आप भी जो है ना दादा, देख नहीं रहा ये बोल रहा है, मतलब मार उड़ खिलाइएगा क्या? इनको पिलाने का मन है इनको, मतलब समझ लीजिए सही में साला, पता चला अभी तुरंत लड़ाई हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, सोच लीजिए आप कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। ये
चीयर्स की। कहाँ की है चीयर्स? आप तो डरते हैं। मीठा भी है, नमक भी है, मस्त लग रहा है। फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो जैसा कि बहुत लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हम लोग पहुँच चुके हैं रांची। और रांची किस लिए पहुँचे हैं आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी क्योंकि शोभा यात्रा निकाली गई थी रामनवमी के दिन पर, और बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। रांची तो हम लोग बहुत ही आराम से आ गए, लेकिन उसके बाद परेशानी हुई। यहाँ पे हर सड़क पे, हर गली में मतलब लोग इकट्ठे थे ही, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो फाइनली इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद, थोड़ी सी परेशानी के बाद, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रूम पे। हमारा होटल बुक था तो हम लोग आसानी से यहाँ पे आ गए। होटल आने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो देख सकते हैं कि रूम में हम लोग अब बैठ करके खाना खा रहे हैं, और खाना मैं घर से बना करके लाई थी, और वो इसलिए लेकर के आई थी क्योंकि मुझे बिना लहसुन प्याज वाला खाना चाहिए था रामनवमी के दिन तक। तो इसी वजह से मैं वहाँ से पैक करके ले आई थी पूड़ी और भुजिया, साथ में आलू और चने की सब्ज़ी। और यहीं लंच मैंने दोपहर में बनाए थे, बस दाल और चावल थे भुजिया के साथ। तो जितनी भी चीज़ें थी मैं आराम से लेकर के आ गई और हमारा खाना हो गया रात का। तो देखिए फर्स्ट मॉर्निंग है आज हमारा यहाँ पे, और पतिदेव जी एकदम नहा धो करके रेडी हैं, और ये तो रेडी हो गए थे लगभग कितने बजे, 6:30-7 बजे। और फिर कुछ सामान लाना था वो लेकर के आए, और अब यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग टी ले रहे हैं और साथ में ब्रेड और भुजिया वगैरह भी आके रखा हुआ है, आकर के नहीं ला करके खुद नहीं आया पतिदेव जी लेकर के आए मॉर्निंग के टाइम में। तो ऐसी है हमारी पहली सुबह, बहुत दिन के बाद, बहुत दिन, एक सप्ताह 10 दिन हो गया होगा शायद, क्योंकि कल की थकान इतनी ज्यादा है कि आज मॉर्निंग में टी लेने का मन हो गया। यस, और मेरा भी स्नान नहीं हुआ है, फिर भी मैं चाय पी रही हूँ। मुझे इतनी ज्यादा नींद लग रही थी, इसी वजह से सोची कि चलो थोड़ा सा चाय पीने के बाद अच्छा लगेगा। और पतिदेव जी को तो निकलना है ना उनके ट्रेनिंग के लिए, तो इसलिए वो रेडी हो चुके हैं और मैं भी कुछ देर में रेडी हो ही जाऊंगी। अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:30, 8:05 बाकी है। तो देखिए पूरे दिन मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे तो बहुत सारा काम रहता, और आज की सुबह जो है स्टार्ट हुई एकदम आराम आराम से, और पूरे दिन आराम ही है। और शाम में क्या प्लानिंग हमारी होती है वो शाम को शेयर करते हैं, मतलब शाम में देखते हैं। तो चलिए मैं अपना चाय और ब्रेड इंजॉय करती हूँ। मेरी चाय ठंडी भी हो गई और पतिदेव भी पी चुके हैं।
और इतनी आराम वाली शुगर, मतलब बहुत दिन के बाद। नहीं तो मॉर्निंग में उठने के बाद काम 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 और काम काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है घर पे। और अभी यहाँ पे लग रहा है कि पूरे दिन क्या करूँगी, लेकिन वैसे मेरे पास बहुत सारा काम है वीडियो एडिटिंग का, जो कि अभी 3 से 4 वीडियो जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सबकी एडिटिंग मुझे करनी है, तो वही सारी चीजें मैं पूरे दिन करूँगी। और मेरा कुछ सामान जो है वो छूट गया था, मैं नहीं लेकर के आ पाई थी, तो एक तो है ये साबुन और ये है बिंदी जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है, और शैम्पू है, सिंदूर मेरा छूट गया था तो वो लेकर के आए हैं, और ये लक्मे का सिंदूर है, और ये छोटा वाला पॉन्ड्स पाउडर। और कल हड़बड़ी के चक्कर में कुछ सामान जो है वो छूट गए थे, पतिदेव जी की हड़बड़ी बहुत ज़्यादा रहती है, और मैं मतलब मुझे याद था कि हाँ मुझे सिंदूर बिंदी ये सारी चीज़ें रखनी है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं रख पाई और कुछ चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, तो इसी वजह से अभी मॉर्निंग में ही मैंने मंगवाया है सारी चीज़ों को। और पतिदेव जी निकल चुके हैं अपने ट्रेनिंग पे, और अभी मुझे पूरे दिन रहना है अकेले, पूरे दिन नहीं 5 बजे तक, और उसके बाद की देखते हैं प्लानिंग क्या होती है। तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोगों को पता चल गया है कि पतिदेव जी की यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, और इसी वजह से मैं भी उनके साथ आ गई हूँ, और यहाँ पे जितने भी सामान मैंने मंगवाए थे तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के पास मैं रख दे रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना ही शेयर कर रही हूँ, बाकी अब जो भी 2-3 ब्लॉग जाएंगे वो रांची के ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।